दिल्ली में बिजली पानी को लेकर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने पानी बिजली को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ आईटीओ के पास शहीदी पार्क से मार्च निकाला, जिसमें तीनों निगम के पार्षद शामिल रहे। इस दौरान दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली में अघोषित इमरजेंसी है। वहीं मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के धरने पर बैठने को लेकर चुटकी भी ली। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मची है और वो एलजी हाउस में आराम से एयर कंडीशनर में बैठे हुए हैं। औरतें लड़ रही हैं अपनी अपनी बाल्टी, दिल्ली में अपनी बीवियों को पीटने वाले, पत्नियों को पीटने वाले एमएलए दिए केजरीवाल नीतियों के सामने, ईट से ईट बजा दो, उनसे लड़ाई लड़ो। दिल्ली की जनता में 70 वादों में फेल हो चुके हैं। दिल्ली की जनता आराम तलब धरना पे बैठे हुए हैं। पूरी दिल्ली कह रही है ये धरना मुख्य पीड़ा को जिसमें देने में असफल रहा, जिस काउंसिलर हम चुने हुए प्रतिनिधि हम सड़कों पे हैं दिल्ली की पीड़ा को लेकर। दिल्ली कह रही है बिजली दो, पानी दो, 5-5 घंटे 6-6 घंटे बिजली की कटौती होने लगी है दिल्ली में, और पानी के बिना हर गली में चित्कार है मित्रों, हाहाकार है। पानी के बिना दिल्ली के छोटे छोटे बच्चे बिलबिला रहे हैं। जनता पार्टी और ऐसी स्थिति में पानी पर असफल हुई, बिजली पर असफल हुई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे असफल हुई, अस्पतालों की व्यवस्था पे असफल हुई। सरकार का मुख्यमंत्री वो एलजी हाउस में एसी धरना कर रहा है।